थैंक यू फैजान फॉर दिस. और आपने कुछ ज्यादा ही लगता है तारुफ करा दिए. अच्छा, थैंक यू सो मच पीटीडीआई फॉर हैविंग मी हियर, एंड थैंक यू ऑल द ऑडियंस जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला इस वक्त, और वो भी दोपहर के 2 बजे, और हमें यहाँ पर सुनने को और कुछ हमसे इंटरेक्शन करने को आए आए हैं यहाँ पे. आई वुड लाइक कि ये एक इंटरेक्टिव सेशन हो, ताकि जो कुछ भी थोड़ा सा जिंदगी का तजर्बा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं. अच्छा, राइट नाउ आई थिंक स्टेइंग इनडोर्स इज द न्यू नॉर्मल इन COVID-19. तो हम लोग जो है ज्यादातर बात करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए और ये सारा कुछ होना चाहिए. आई गेस लेट्स चेंज स्क्रिप्ट अ लिटिल बिट एंड लेट्स कॉल इट वर्चुअल कनेक्टिंग, बिकॉज इस वक्त राइट नाउ इस वक्त हम लोग अपने अपने वर्क प्लेस पे, अपने अपने घरों से, अपने अपनी जगहों से बैठ के एक दूसरे के साथ मोर देन 30 आई गेस लोग कनेक्टेड हैं. तो वी आर एट अ डिस्टेंस बट वी आर वर्चुअली कनेक्टेड राइट नाउ. और इस पेंडेमिक में, और जो हमारा आज का टॉपिक है वो भी इससे रिलेटेड है कि हाउ टू फेस द चैलेंजेस. हम लोगों ने इस चैलेंज से कैसे गुजरना है, अपनी प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में कैसे चेंज करना है, और एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करना है. तो फिजान, मैं थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो रूरल एरियाज में थोड़ा सा मैंने काम किया, अगर आप वो वीडियो 1 एंड वीडियो 2 बारी बारी अगर आप चला देते हैं, तो थोड़ा सा ये आइडिया हो जाएगा कि उसके अंदर गांव में रहते हुए भी लोग जो हैं इन चैलेंजेस को कैसे फेस कर. ताकि हम लोग फेसबुक पे लाइव चले जाएं। ओके, ठीक है. तब तक मैं थोड़ी सी और बात करूंगी अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. सन 2001 से जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन अलबारी वेलफेयर एसोसिएशन जड़ावाला के एरिया में स्पेशली काम कर रही है, और हमारा फोकस शुरू में जो था फीमेल एडल्ट लिटरेसी था, ठीक है. और उसके बाद हम लोगों ने साथ साथ ही, जाहिर बात है, दैट्स रिलेटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप एज वेल. तो सबसे पहले हमने जो फीमेल एडल्ट लिटरेसी में काम किया उसके अंदर हमारा पहला प्रोजेक्ट जो था वो PCLE, और उसके अंदर हमने माशाल्लाह 22,500 खवातीन को 21 महीने के साइकिल के अंदर लिटरेट किया. दैट वाज द बेसिक लिटरेसी प्रोग्राम, जिसमें बेसिक आप सिखाते हैं मैथ्स एंड बेसिक राइटिंग जो है, और बेसिक कैलकुलेशन. और उसके बाद हमारा उन खवातीन के साथ वहां पर सफर शुरू हुआ. और मैं ये समझती हूँ कि आप बहुत सारी जगहों पे काम करने की बजाय अगर आप क्लस्टर्स में काम करते हैं और एक एरिया पर फोकस करते हैं, तो चाहे 10 साल गुजरते हैं या 20 साल गुजरते हैं, आपको उधर से रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं. इट्स बिन 20 ईयर्स जो हम वहां पर जड़ावाले में काम कर रहे हैं. मेरी टीम वहां पर जो है वो इस वक्त भी कुछ ना कुछ अपने अपने काम करी, क्योंकि वही वाली बात आ जाती है कि अब COVID-19 की वजह से हम लोग रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, हम लोग फील्ड में ज्यादा नहीं जा सकते. तो हमने भी उस चीज को वर्चुअली जो है हम लोग उसको वर्चुअल चीजों के ऊपर ले आए हैं. हमारी मीटिंग्स भी वर्चुअल होती हैं, और हम लोग चाहते हैं कि लोग ऑनलाइन, जैसे आप वाली बात के उस पे ऑनलाइन कारोबार कर सकें, ऑनलाइन स्टार्टअप्स को हम लोग सपोर्ट कर सकें. तो हम सिनारियो लोग, बहुत चेंज हो रहा है. सॉरी जी, बिल्कुल, हम लोग जो है वो फेसबुक पे ऑनलाइन जा चुके हैं। हमारा आज का वेबिनार चल रहा है स्टार्टअप चैलेंजेस ड्यूरिंग COVID-19। तो सबसे पहले जो है वो कुछ मैडम ने जैसे बताया, कुछ इनका किया हुआ काम है जो कि वीडियो की शक्ल में, मैं चाहूँगा कि वो पार्टिसिपेंट जो है हमारी स्क्रीन पे देखें। मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। Razia lives in 21 GP, a village near Jaravala. She earns $14 a month from string shredding. FOP and Albari Women's Empowerment Center provided her a set of 6 hands and basic training. अजी मैं अंडे देने हैं 15-15 रुपए का।
She sells an egg for 14 cents or exchanges it for tea. With 25 hens, she can earn up to $106 a month. Women's Empowerment Center trains and provides material to village women on backyard poultry, kitchen gardening, fruit tree plantation, bakery, and dressmaking. Center team keeps a follow-up through online training sessions, group messaging, and house visits. Sadhav, a beneficiary. मेरे तीन बच्चे हैं, मेरे मियां मजदूर हैं. मैं अलबारी FOP के सेंटर में गई. उन्होंने ट्रेनिंग दी ड्राफ्टिंग की और पैटर्न कटिंग की. उसके बाद मैंने सनत बाजार में दाखला लिया और अब मैं वहाँ पे कोर्स कर रही हूँ. 6 माह का कोर्स करने के बाद मैं अपना काम करूंगी और अपने घर पे सिलाई करके अपने बच्चों को घर चलाऊंगी. हमारे गांव में कोई बेकरी नहीं थी. हमारे सेंटर में केक बनाने की ट्रेनिंग दी गई और अब मैं अपने घर में पतीले में और चूहे वाली आग पे आसानी से केक बना सकती हूँ. Let's support them, provide them the opportunity to learn skills, sustain livelihood, and empower them enough to decide for themselves. जी, ये एक छोटी सी वीडियो थी इनसे रिलेटेड. जी मैडम प्लीज कंटिन्यू. जी अगर आप एक दूसरी वीडियो भी चला दें तो इफ यू हैव दैट विद यू तो फिर उसके बाद हम आप मुझे जरा शेयर कर देते. राइट नाउ डू यू हैव इट और डू यू हैव द लिंक. लेट मी चेक. ओके सलमान डू यू हैव. नहीं तो दैट्स ओके. एक्चुअली वो भी हमारे सेंटर के रिलेटेड ही है. सो जो ज्यादा रिलेटेबल वीडियो थी वो यही थी तो हम इस पे ही बात करते हैं. कैन वी हैव द सेकंड स्लाइड प्लीज. जी जी आई थिंक सो शेयर नाउ. हां जी थैंक यू. प्लीज सेकंड स्लाइड. द नेक्स्ट वन. हां जी तो हम बात शुरू करते हैं जहां यहां पर जितने भी हमारे साथ लोग बैठे हुए सब बेहतर समझते हैं कि हु इज एन एंटरप्रेन्योर इन स्टार्टअप. हमसे ज्यादा वो लोग सीख चुके हैं और सीखने के प्रोसेस के अंदर हैं. हमारा थोड़ा सा ये समझ लें कि फील्ड का एक्सपीरियंस है लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज और लर्निंग वाइज जो भी हमारे आज के पार्टिसिपेंट्स हैं मैं उनसे सीखना चाहूंगी और उनसे पूछना चाहूंगी कि वो किस तरह समझते हैं कि हु इज एन एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप. और जो मेरा थोड़ा सा तजर्बा है इसके अंदर मैं आपसे जो बात कर रही हूँ एज एवरीबडी नोज कि जो भी एक एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप होता है वो इनोवेटर जरूर होता है. अब हम इसको वीडियो में अगर देखते हैं तो उसमें हम मिसाल लेते हैं नोरीन की. नोरीन ने वहां पर बेकरी की ट्रेनिंग हासिल की हमारे वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर के अंदर एंड नाउ शी कैन बेक कपकेक्स इन लोकल यूटेंसिल यानी वहां के देश के अंदर. तो शी वाज अ इनोवेटर. तो जो एंटरप्रेन्योर है वो हमेशा एक इनोवेटर भी होता है हार्ड वर्कर भी होता है एंड रिस्क टेकर भी होता है. रिस्क टेकर कौन थी वहां पर आपने देखा होगा रजिया को. रजिया ने अपना वो जो काम कर रही थी थ्रेड जो अपने वो पट्टियां काट के गुजारा कर रही थी और आप हैरान होंगे कि उसको इतने बड़ी ढेर के या इतनी बड़ी बोरी के जो थे वो अब 100 रुपए से भी कम मिलते थे. ठीक है तो उसने अब हमने उसको ये मोटिवेट किया कि अब तुम उसको मुर्गियों को पालो और उसके बाद जो है वो देसी अंडे वहां पे फरोख करो और तुम्हें वहां पे कारोबार में तुम्हारा चलेगा. पहली बात तो ये है कि गाँव के अंदर फिजान आप समझ सकते हैं और जितने भी मेरे साथ पार्टिसिपेंट हैं वे समझ सकते हैं कि एक हमारी मेंटेलिटी है कि लोग इतनी जल्दी शुरू नहीं करते. शहरों में भी है लेकिन गाँव में ये ज्यादा इसलिए कि वो एक सेट पैटर्न पर उनकी लाइफ चल रही होती है. वो ऑलरेडी जिन चीजों में हैं वो समझते हैं कि वो रिस्क लेंगे तो शायद उनको नाकामी होगी या उनको नुकसान होगा.
लेकिन एक जो ट्रू स्टार्टअप होता है या एंटरप्रेन्योर होता है, उसका काम ही रिस्क लेना होता है। तो अब उसके अंदर हम लोगों ने अपने वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर के अंदर तकरीबन एक ट्रेनिंग दी, और उसके बाद हमने 15 नेक्स्ट ईयर जो है वो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स को चूज किया हु वर रेडी टू टेक द रिस्क एंड डू समथिंग न्यू इन दैट एरिया। तो रजिया वॉज वन ऑफ देम। अब रजिया ने उस मुर्गियां तो पालनी शुरू कर दी और वो जो अंडे हैं वो बेचने शुरू कर दिए, लेकिन शुरू में आप देखें उसका क्या स्टाइल था कि वो बार्टर सिस्टम कर रही थी। वो वहां पे जाके दुकानदार को अंडा देती थी और उसके बदले में वो चीजें ले रही थी। और आखिर में ये हुआ क्योंकि हम लोग उनको जो है वो दूसरी खाद डालते हैं, और मतलब के जो ऑर्गेनिक चीजें हैं वो हम उनकी मुर्गियां खा रही थी, तो सारी बात है वो महंगे फरोख्त होने शुरू हो गए। अब जो नौरीन थी उसने क्या किया कि उसने उसी की जो है वहां पर आगे जिसे कहते हैं हम लोग के उन्हीं अंडों से केक बना के या कपकेक्स बना के फरोख्त करने शुरू कर दिए। ठीक है, तो ये एक अनदर न्यू आइडिया था जिसके वहां पर गांव पे उन्होंने काम किया। अब हम देखते हैं कि ये लोग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो प्लानर्स भी हैं, वो डिसीजंस भी अपने खुद ले रहे हैं, दे आर ऑप्टिमिस्टिक, दे आर प्रोडक्टिव एंड दे आर हार्ड वर्कर। तो ये लोग कम होते हैं और ये फोरसाइटर होते हैं, वो देख लेते हैं कि आगे आने वाले टाइम में उनको क्या चाहिए। तो मैं गांव की इसलिए मिसाल दे रही हूँ कि वहां पर एक हमारे यहाँ एक मेंटालिटी है जिसे हम शीपल मेंटालिटी बोलते हैं, यानी कि भेड़ चाल का शिकार, कि जो एक शख्स कर रहे हैं वहां पर वही बाकी लोग कर रहे होंगे। नो वन इज रेडी टू टेक द रिस्क। लेकिन वहां पर जब उन खवातीन ने एक रिस्क लिया तो उससे क्या हुआ कि वो उनकी लीडरशिप क्वालिटीज भी सामने आई, उनको फायदा भी हुआ। अभी आपने देखा होगा कि किचन गार्डनिंग वाला भी वहां पर काम हो रहा था, तो उन लोगों ने वहां पर पहले तो उन्होंने इस बात पर यकीन ही नहीं किया कि किचन गार्डनिंग भी हो सकती है या कंटेनर फार्मिंग भी हो सकती है, लेकिन जिन्होंने वहां पे की अपनी छतों के ऊपर सब्जियां उगाई और बेची, उनको फायदा हुआ, तो बाकी लोग इस चीज पे कन्विंस होना शुरू हो गए। तो ये गांव की स्टोरी थी उनकी वहां पर उनके स्टार्टअप बिजनेसेस की। ये अभी 2-3 मिसालें थी बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ स्टोरीज ओवर देयर व्हिच वी डोंट हैव टाइम टू शेयर राइट नाउ। लेकिन मेरा जो सारा पॉइंट था वो ये कहने का उसका मकसद ये था कि हमारे पास शहर में बहुत अपॉर्चुनिटी, शहर के अंदर हम लोग ज्यादा प्रिविलेज हैं और हम लोगों के पास ज्यादा वहां पर मौके हैं सीखने के भी और करने के भी। तो एफिसान, कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दिस वन, या द थर्ड वन, या इट्स जस्ट फॉर द रेफरेंस जो थर्ड स्लाइड है, और जितने भी ऑडियंस हैं वो यकीनन इस चीज को समझ रहे होंगे। द रिस्पांस ऑफ स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स ड्यूरिंग ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। Can we have that? Is the next one? Gigi, that's the third slide. Yeah. Response of startups and entrepreneurs during global financial crisis. अच्छा, मैं इस पे बात करना शुरू करती हूँ, आप तब तक इसको please on कीजिए। दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर ये देखा गया है कि जब भी कोई क्राइसिस आता है तो उसके बाद बहुत सारे नए स्टार्टअप्स इमर्ज करते हैं, वो रिस्क लेते हैं और वो लोग उसके अंदर से अपॉर्चुनिटीज तलाश करते हैं। जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि जो फाइनेंशियल ग्लोबल क्राइसिस आया था लास्ट टाइम, तो उसके बाद क्या हुआ, ड्रॉप बॉक्स निकला, ऊबर निकला, एयरबीएनबी निकला, व्हाट्सएप सामने आए, ग्रुपॉन सामने, पिंटरेस्ट जैसी बड़ी साइट आपके सामने आती है जिसको हम लोग हर रोज आजकल यूज कर रहे हैं। उसके बाद जब सार्स का आउटब्रेक हुआ चाइना के अंदर 2003 के अंदर, तो ये अलीबाबा का ताओबाओ जो है दैट वाज फाउंडेड एट दैट टाइम। तो ये सारा कुछ जो है उसी फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर है। तो ये बात ये चीज कंफर्म करती है कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो लोग, कुछ लोग घबरा जाते हैं और कुछ लोग उसको लेकर उसको अपने लिए फायदेमंद करार देते हैं। आज ही मैं अखबार के अंदर पढ़ रही थी कि हमारा जो नेक्स्ट आने वाला जो टाइम है उसके अंदर जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बहुत ज्यादा इमर्ज करेंगी,
और क्योंकि वहां घर बैठे कारोबार वो शुरू कर रही होंगी. तो कैन आई हैव द फोर्थ स्लाइड प्लीज, जिसके अंदर है व्हाई पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर. ये आपके आ रहे नजर? नहीं, आई कैन नॉट सी दैट, आई डोंट नो अब या ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया. अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली ये एक बड़ी मजे की बात है जो मैं हमेशा देखती हूँ कि लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि व्हाई पीपल आर इंटरेस्टेड इन बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर, बिकमिंग अ मिलियनेयर, दे हैव देयर ओनरशिप एंड दे हैव. आपकी आवाज बहुत हल्की हो गई है. आ जाता है कि जी ठीक है, बेहतर आवाज में पहले कुछ थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ गया था. प्लीज कंटिन्यू. जी मेरे ख्याल है आपकी आवाज नहीं आ रही. म्यूटेड, कैन यू हियर मी प्लीज? जी अब आपकी आवाज आ रही है. कुछ डिस्टॉर्शन थी बीच में कुछ. हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि हम एक स्टार्टअप है और हम लोग एक एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं, तो हमने फौरी तौर पे मार्क ज़करबर्ग से कम तो नहीं बनना, हमने तो फेसबुक जैसी चीज शुरू कर देनी है और हम लोगों ने जो है वो जैक मा बन जाना है और हमारा अपने ओनरशिप होगी एंड इट्स वेरी इजी टू डू एंड वी आर आवर ओन बॉस. एक्चुअली मैं ये समझती हूँ कि ये थोड़े से रॉन्ग नोशंस हैं या प्रेमिसेस हैं, इवन दो दे प्ले अ पॉजिटिव रोल इन बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर. लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि आपको कल ही पैसे आना शुरू हो जाएंगे तो ये थोड़ा सा, अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपने बॉस हैं तो फिर आप अपने ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं रखते. आप कहते हैं कि जिस वक्त मेरे पास टाइम होगा मैं कर लूंगा, बिकॉज इन अ जॉब, इन 9 to 5 जॉब जो होती है उसके अंदर आप लोग बाउंड होते हैं किसी को जवाब देने के लिए. लेकिन इस वक्त जब आप अपने खुद कारोबार करते हैं तो उस वक्त आपने अपने ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना होता है और उस वक्त आपने अपने जो है वो ऊपर जो है वो ये देखना होता है कि हमने रिस्पांस कैसा देना है. इफ यू आर डूइंग एन ऑनलाइन बिजनेस तो आप 24/7 आपको एक्टिव रहना पड़ता है. इफ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस जैसे डिलीवरी है या कुछ भी है और उसके अंदर भी आपको हर वक्त ऑन द डॉट रहना पड़ता है कि फौरी तौर पर आपने जवाब देना है और अपने कस्टमर को बिल्कुल भी जाने नहीं दी. अच्छा, हम थोड़ी सी भी बात करते हैं. फिजान, कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? दिस इज द टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स व्हिच एवरीबॉडी ऑलरेडी नो. द फिफ्थ स्लाइड जी, थैंक यू. अच्छा, अब इसके अंदर हम लोग ये थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि किस किस तरह के जो है वो एंटरप्रेन्योर जो है वो आते हैं. अब एक होते हैं इनोवेटर, वो बिल्कुल एक नया आइडिया सामने लेके आते हैं. अब वो क्या आइडिया होता है, अब जैसे आप ये देख लें, हम अगर ग्लोबल मिसाल देते हैं तो हम दे देते हैं ठीक है, ही टोटली गेव अ न्यू आइडिया. अगर हम लोकल मिसालें दे तो हम यहाँ पर आम हालात के अंदर भी अब देखते हैं, जैसे लम्स के स्टूडेंट्स हैं, दे कम अप विद, मैं एक मिसाल दे रही हूँ, बाकी स्टूडेंट भी ऑब्वियसली डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के या स्कूल एंड कॉलेजेस के या जब ये PTDI से भी इवन वो ट्रेनिंग्स लेके जाते हैं, दे रियली कम अप विद अ वेरी न्यू इनोवेटिव आइडियाज. अब इनोवेशन होना, इनोवेटर होना जो है एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की मिसाल है और वो एक नया आइडिया लेके आता है तो वो मार्केट में कामयाब. उसके बाद एक और टाइप है एंटरप्रेन्योर की जो स्मॉल बिजनेस होना, वो छोटे पैमाने पर ही शुरू करते हैं ठीक है, और उसके बाद जैसे ये अब नौरीन की मैं मिसाल दोबारा दूंगी कि उसने बेकरी और कप केक्स का बिल्कुल छोटे पैमाने पे कारोबार शुरू किया और वो वहां पर अपना उसको लेके चल रही है और वो वहां पे बेशक वो 10 रुपीज के भी सेल कर रही है लेकिन वो हो रही है ठीक है. और स्मॉल बिजनेस ओनर्स यहाँ पर अब चार्ज कर रहे हैं, वजह ये है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि खासतौर पर खवातीन ने अपने माशी हालात को सहारा देने के लिए स्मॉल बिजनेसेस शुरू किए ठीक है, और वो वहां पर काफी हद तक कामयाब हो रही है, वेदर दे आर इनोवेटर और नॉट.
बेशक उन्होंने कपड़े का काम ही शुरू कर दिया है, इसके मार्केट में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, बट दे आर अर्निंग टू सम एक्सटेंट। अच्छा, अब एक होते हैं हसलर्स। अब हसलर्स वो होते हैं जिनके आइडियाज यूनिक नहीं होते, बट दे आर वेरी मच हार्ड वर्कर्स। वो एक जूते के तस्मे से जरूर शुरू करेंगे, लेकिन वो कंसिस्टेंट होते हैं और अपने कारोबार को बेशक सालों लग जाएं, लेकिन वो कंसिस्टेंटली चलाते हैं। और वो बहुत ज्यादा यूनिक आइडियाज बेशक ना लाएं, लेकिन वो उनकी हार्डवर्क को कोई कम्पीट नहीं कर पाता। ठीक है, अब आ जाते हैं बायर एंटरप्रेन्योर्स। जो है बायर एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं कि जो कि पहले ऑलरेडी उनके पास थोड़ी मतलब के दे आर गुड एनफ टू यू नो एक चलता हुआ भी कारोबार है, लेकिन क्या होता है कि नया एक इमर्जिंग जो कारोबार जो उनको लगता है कि उनको फायदा होगा वो ले लेते हैं। मैं मिसाल देती हूँ, मिसाल गूगल है, वो बहुत सारी चीजों को खरीद रहा होता है एट द सेम टाइम, उसे पता है कि ये मुझे एट द एंड ऑफ द डे फायदा दे रहा है। अच्छा, उसके बाद एक इमिटेटर्स है। इमिटेटर एंटरप्रेन्योर्स सबसे ज्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं। मसलन एक शख्स ने कारोबार शुरू कर से फूड बिजनेस, ठीक है, अब जॉनी एंड जुगनू है या कोई और है, तो साथ ही बहुत सारे और लड़के लड़कियां भी जो है वो इस चीज के अंदर आ जाएंगे। वो इमिटेटर्स जो है सिर्फ एक काम ये करते हैं कि उसमें थोड़ा सा कुछ नया ऐड कर देते हैं, बट दे आर डूइंग द सेम थिंग। वो इनोवेटर से ज्यादा अर्न नहीं कर रहे होते, बिकॉज इनोवेटर तो एक टोटली न्यू आइडिया लेके आ रहा है। ठीक है, ये लोग वो काम कर रहे होते हैं जो ऑलरेडी चल रहा है और उसके अंदर वो एज ए कंपेटिटर आ जाते हैं। अच्छा, अब एक एंटरप्रेन्योर्स की जो टाइप है वो रिसर्चर्स है। वो इतनी रिसर्च करते हैं, इतने फैक्ट्स एंड फिगर्स तलाश कर लेते हैं और सब कुछ सारा कुछ करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो लोग रिस्क टेकर इतने नहीं होते। वो लोग कहते हैं कि जी वो माइनस प्लस करते हैं, अपना हिसाब लगाते हैं कि यहाँ से मुझे फायदा होगा या नहीं होगा, तो वो थोड़ा उतना कामयाब नहीं होते जितने के बाकी मैं समझती हूँ कि इनोवेटर्स कामयाब होते हैं। अब एक सोलोप्रेन्योर है, वो अपना अपने तौर पे काम, वो पूरी कंपनी वो खुद ही होते हैं, वो अपनी मार्केटिंग भी खुद करेंगे, वो सोशल मीडिया भी अपना खुद चला रहे होते हैं, वो अकेले ही काम कर रहे होते हैं। खवातीन हो या हजरात हो, वो अपना सारा मामला खुद ही लेके चल रहे होते हैं। एंड देन कम्स द सोशल एंटरप्रेन्योर्स। अच्छा, सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो है वो चेंज मैनेजर्स होते हैं, और मैं इसमें एक मिसाल दूंगी आपको। तस्दीक ऐप आपने शायद सुना हो, और ये एक CLPC और पुलिस का एक सेफ पाकिस्तान ट्रस्ट के साथ एक प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर वो आपका बैकग्राउंड चेक जो है मुलाजमों का वो आप कर सकते हैं थ्रू दिस तस्दीक ऐप। तो ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है कि आपको उसमें फायदा नहीं चाहिए होता, बल्कि आप देखते हैं कि कहाँ वर्ड आ रहा है और कहाँ सोशली आप लोगों ने हेल्प करनी है या किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल कर वहां पर उन लोगों को फायदा देना होता है। तो दीज आर ये एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो चेंज मैनेजर होते हैं। मैं तस्दीक ऐप का इसलिए जिक्र कर रही हूँ कि ये बहुत इंटरेस्टिंग ऐप है। इसके अंदर आप अपने मुलाजमों का बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं, यू जस्ट हैव टू डाउनलोड दैट ऐप, और उसके बाद वो पुलिस के साथ, पुलिस स्टेशन के साथ कनेक्टेड होती है और पता लग जाता है कि उस जो मुलाजिम है उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है या नहीं है। और दैट्स अ वेरी न्यू एंड इनोवेटिव थिंग, और बहुत सारे लोग जो है इसको यूज भी कर रहे हैं। और मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त जो मेरे ऑडियंस हैं उसमें जितने यंगस्टर्स हैं वो इस तरह की एप्स भी, अगर वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हैं या इस तरह का सीख रहे हैं, वो बना सकते हैं। और ना सिर्फ वो सोशली लोगों को फायदा दे सकते हैं, बल्कि उसके अंदर से वो अर्न भी कर सकते हैं। इस ऐप के अंदर एक और बड़ी मजे की बात है कि आप जब अपने जो आपके जो सर्वेंट्स हैं, अगर आपको पता लगता है कि उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, तो आप अपने सर्वेंट्स को जो है वो उनको सोशल सिक्योरिटी भी लेके दे सकते हैं, और उसके बाद आप उनके लिए जो है वो उनकी बच्चों की एजुकेशन के लिए भी हेल्प कर सकते हैं और उनको थोड़ा सा फाइनेंस भी कर सकते हैं। उसके लिए आपने सिर्फ 50 rupees पर मंथ पे करने हैं, और That's actually very interesting. अब ये देखें, ये मुख्तलिफ चीजें जो हैं ये सामने हमारे आ रही हैं और मुख्तलिफ तरह के एंटरप्रेन्योर्स हमारे सामने आ रहे हैं। अब थोड़ा सा हम फोकस लेके जाते हैं खवातीन के ऊपर। Can I have the next slide, please? That's the type of women entrepreneurs.
जी नेक्स्ट, थैंक यू, आप इससे भी बेशक नेक्स्ट पे लीजिए। अच्छा, इसके अंदर अभी हम देख रहे हैं कि जो खवातीन है आजकल के जमाने के अंदर, वो एफ्लुएंट एंटरप्रेन्योर्स कौन है कि जी जो वाइव्स एंड डॉटर्स ऑफ वेल्दी बिजनेसमैन है, वो ऐसे ही उन्होंने शुरू कर दिया कि उनको लगता है कि अब हम कुछ करना चाहते हैं नया, तो हम ये नया शुरू करते हैं, ठीक है, और दे हैव द सफिशिएंट फाइनेंशियल एड एज वेल, ठीक है। लेकिन एक इसके अंदर पुल फैक्टर आता है एंटरप्रेन्योर्स का, जिसके अंदर वो एजुकेटेड हैं, अर्बन एरियाज में रह रही हैं, और वो बाज दफा विदाउट एनी एक्सपीरियंस नया रिस्क लेने को तैयार होती है और फिर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाती है। मैं मिसाल देती हूँ बहुत सारी ऐसी खवातीन की जिन्होंने घर बैठे कोविड के दौरान अपने कारोबार शुरू किए लास्ट ईयर, ठीक है, जब ये शुरू हुआ था, और उसके बाद माशाल्लाह इस वक्त दे आर फ्लरिशिंग एंड दे आर अर्निंग लाइक फ्रॉम 30 to 50,000 पर मंथ। तो वो जो है इसमें खवातीन, इसमें जो पुल फैक्टर है उसमें वो आ जाता है। अच्छा, अब एक और चीज है, कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड, द 8th वन, द पुश फैक्टर एंटरप्रेन्योर्स। अब उनको ये वो लोग खवातीन है जैसे कि जो अमूमन, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो अनफॉर्चुनेटली वो बहुत सारे तबकात में हम लोगों ने डिवाइड की हुई है, लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड अपर क्लास एंड स्टफ लाइक दैट। अब इसके अंदर जो लोअर मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है, वो पुश फैक्टर एंटरप्रेन्योर्स वो लोग होते हैं, या तो वो विडोज होती हैं, या फिर वो उन लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत शदीद ऐसा आया होता है कि उनको कुछ ना कुछ करना होता है, तो वो फिर रिस्क लेती हैं, वो फिर काम शुरू करती हैं। अब इसके अंदर मैं आपको मिसाल देती हूँ, हम लोगों ने वहां पर गांव के अंदर खवातीन को ये शुरू करवाया कि आप लोग जो है वो पैक करें ये दही पकौड़ियाँ और भलियां जो हैं, और उसके बाद ये सेल आउट करें। तो यहाँ अब शहरों में भी आप देख चीज जो है वो काफी हद तक खवातीन जो हैं वो पैकेजिंग में और ये चीजों के अंदर आ रही हैं, और ये मैं थोड़ा सा आगे जाके मजीद इसको एक्सप्लेन करूंगी। तो हम पहले इनको लेट्स गो थ्रू द 4th वन, दैट्स रूरल एंटरप्रेन्योर्स। वो आप लोगों ने मेरी मिसाल अभी देख ली है, वो दे बिलोंग टू द रूरल एरियाज, दे हैव वेरी लो इन्वेस्टमेंट एंड इनकम, उनकी इन्वेस्टमेंट भी इतनी थोड़ी होती है कि उनको उस हिसाब से इनकम आती, बट समटाइम्स इफ दे आर इनोवेटर्स एंड इफ दे आर रिस्क टेकर्स दे फ्लरिश एंड दे गेट सक्सेसफुल इन देयर बिजनेस। अच्छा, अब जो हमारे सब स्टूडेंट्स हैं, मैं ये प्लीज, साउंड डिस्टॉर्शन आ रही है, अगर आप इसको प्लीज देख लीजिए फैजान। मुझे आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। अच्छा, हम अब थोड़ा सा फैजान उसके ऊपर आते हैं, स्वॉट एनालिसिस वाले उसकी स्लाइड के ऊपर, क्योंकि जो मेन है वो इसके बाद है जिसके ऊपर मैंने अब बात करनी है, जिसपे हम लोग एक्चुअली ये सब इकट्ठे भी हों और हमने देखना है कि हमने उसको अपने सोल्यूशन की तरफ कैसे जाना है। हमने जी स्वॉट एनालिसिस वाली जो नेक्स्ट स्लाइड है प्लीज, थैंक यू। दैट्स द 10th स्लाइड। जी कैन वी हैव इट, 10th वन थी, मैंने शेयर कर दी हुई है। दैट्स अभी ये वो रूरल आपको शो नहीं हो रही, मैंने तो शेयर कर दी। अच्छा चलें, नहीं ये वाली, दिस वन, थैंक यू सो मच, ठीक है, आई गॉट इट। अच्छा, अब ये जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मुझसे बेहतर सोच क्या लगा, मैं शेयर तो फॉरन कर देता हूं आपके पास, नहीं आई गॉट इट नाउ, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब जो यहाँ पे जितने भी मेरे साथ ऑडियंस बैठे हुए हैं और जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, वो मुझसे बेहतर समझते हैं व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से ये बात करना चाहूंगी, कुछ भी काम शुरू करने से पहले आप लोगों ने एक दफा अपने आप को एनालाइज जरूर करना, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपको अपॉर्चुनिटीज क्या मिल रही है, आपको थ्रेट्स क्या मिल रहे हैं, ठीक है। अब हम मिसाल लेते हैं, अब एक जो स्टूडेंट है
वो ये कहता है कि मैंने शुरू करना है फूड बिजनेस, राइट। अब उसकी स्ट्रेंथ ये है कि ही इज रियली गुड एट कुकिंग, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर इस्लामाबाद का मैं पढ़ी थी अभी कुछ दिन पहले न्यूज में, तो उसने एक द गाय हु कैन कुक, उसने एक बिल्कुल छोटे उससे स्टेशन से शुरू किया, एक छोटे से ढाबे से शुरू किया, और अब माशाल्लाह उसका बड़ा बेहतरीन कारोबार चल रहा है। तो वो उसके उसका मैं मिसाल इसलिए दे रही हूँ कि उसकी स्ट्रेंथ उसकी कल्नरी आर्ट से, ठीक है। ही लव ट्रैवलिंग एंड ही लव कुकिंग, और उसने सारा कुछ एक जगह जमा किया, और उसकी उसको अपॉर्चुनिटीज जो है वो उसने खुद क्रिएट की, ठीक है। लेकिन अब आप ये देखें कि उसमें उसको थ्रेट्स कितने थे, लड़के हो के तुम ये कर रहे हो, तुम एक ढाबा खोलोगे, तुमने इतना पढ़ा लिखा है, लाइक दैट। ये आपको सोसाइटी की तरफ से बहुत सारी इस तरह की चीजें फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन आपने उसको ओवरकम करना, दैट्स द पॉजिटिव पार्ट। और अभी अगर आप ये देखें कि अगर हमारी हम वीकनेसेस की बात करते हैं, तो वीकनेसेस के अंदर क्या आ जाता है, हम लोग वैसे ही वी जंप इनटू टू सम बिजनेस विदाउट डूइंग एनी होमवर्क, दैट्स द पार्ट जहां पे हमारी वीकनेसेस शो हो रही होती हैं। और हम देख ये भी नहीं देखते हमारा कंपेटिटर कौन है, मार्केट में क्या चल रहा है, इस वक्त क्या ऑन है। मिसाल देती हूँ मैं, अभी आपने Amazon Go के नाम से सुना होगा, ठीक है, इसका ऑनलाइन स्टोर है, दैट्स टोटली टोटली ऑनलाइन, ठीक है। यू हैव अ QR कोड, आप अपने फोन के साथ करते हैं एंड गुड टू गो फॉर द शॉपिंग। दिस मीन्स कि आपके यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेस कम हो गए, और आने वाले वक्त में भी आप मैनुअली काम नहीं कर सकेंगे, आपको सब कुछ ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। अभी स्टेटिस्टिक्स जो बता रहे हैं वो ये हैं कि आने वाले वक्त के अंदर आप लोग सब कुछ ऑनलाइन लेके जा रहे हैं, आप तब क्या करेंगे। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, आपने तब अपने लिए तैयारी करनी है, और उस तैयारी का टाइम अब है। तो अब फिजान हम उस पर आते हैं जो मेन इंडस्ट्रीज जो हैं जिसमें हम लोग मैं सजेशंस कुछ दूंगी कि वो काम कैसे शुरू कर सकते हैं, दैट्स द नेक्स्ट स्लाइड, इंडस्ट्रीज प्रमोटेड बाय द। जी हो गई शेयर? जी आई हैव शेयर्ड, थैंक यू। अच्छा अब यहाँ पर थोड़ा सा डिले नहीं नहीं आगे आगे मेरे पास आगे, ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा यहाँ पर अब एक मिक्स है मुख्तलिफ कारोबारों का जिसे मैं कहूंगी, और वो है ये इंडस्ट्रीज प्रमोटेड बाय एंटरप्रेन्योर्स ड्यूरिंग COVID-19। पिछले साल से लेके अब तक आपने एक बहुत ड्रास्टिक चेंज देखा होगा लोगों के कारोबार करने के तरीके के अंदर, उन लोगों ने कैसे अपनी जो है प्रॉब्लम्स को जो है वो अपने सॉल्यूशंस के तरफ लेके गए, अपॉर्चुनिटीज उन्होंने कैसे ली। मिसाल है ये अब जैसे टेलरिंग एंड ड्रेस मेकिंग है, अब जितनी खवातीन जो बुटीक्स का काम कर रही थी, अब जब कोविड हुआ है हर चीज बंद हो गई है, तो जो तो फोरसाइटर्स थे उन्होंने वही चीज फौरी तौर पर ऑनलाइन कर, ऑनलाइन करने के बाद उन्होंने क्या किया, सबसे ज्यादा जरूरी तो पहली बात यह है कि आप अपना कोई पेज बनाते हैं, आप अपना इंस्टाग्राम हैंडल बनाते हैं, आप अपना फेसबुक पेज बनाते हैं, आप उसके प्रमोशंस लगाते हैं। लेकिन जो लोग वैसे ही ऑनलाइन कर रही हैं और वो इन चीजों का ख्याल नहीं रख रही हैं, तो वो उतनी कामयाब नहीं है जितना के बाकी जिसे कहते हैं कि खवातीन खासतौर पर जो इस इंडस्ट्री में आई हैं, लड़के भी हैं वो इसके अंदर कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इन चीजों को मद्देनजर नहीं रखा। मैं एक मिसाल देती हूँ, एक है जी एंड सैम, इनका एक ऑफिशियल ब्रांड है और ये ऑनलाइन क्लोथिंग का इनका काम है। शी वॉज माई कुलीग, और मैं LGS में कुछ देर पढ़ाया है तो वो मेरे साथ कुलीग थी, और शी वॉज एक्चुअली वो उस वक्त प्लान करी थी इमिग्रेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए, कोविड आ गया, उसकी जॉब उसने खत्म कर दी हुई थी। नाउ शी वॉज टोटली यू नो आउट ऑफ एवरीथिंग, उसने करना क्या था। देन शी प्लान्ड कि मैंने यहीं पे जब तक हमारा जाने का नहीं होता मैं शुरू करती हूँ। माशाल्लाह पिछले साल से लेके अब तक उसके अराउंड 1000 फॉलोअर्स भी हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, उसकी सेल माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है, सारा कुछ है। रीजन, वो अपनी वीकली प्रमोशंस लगा रही होती है अपने कपड़ों के ऊपर, उसके ऊपर ऑफ दे रही होती है, मुख्तलिफ इंसेंटिव दे रही होती है, उसके अंदर उसको अपने कस्टमर को बहुत अच्छा हैंडल कर रही है, उसके बाद कस्टमर्स के साथ उसको फौरी तौर पर रिस्पॉन्स आता है। अच्छा, कस्टमर रिस्पॉन्स की जब मैं बात करती हूँ तो इंटरेस्टिंगली एक मैडम, अगर ये जो आप सॉरी
हाँ मैं कह रहा था कि जो आप बता रही हैं अगर हम इनको ये लाइव दिखा दें कोई, अगर आप लिंक दें तो मैं जरा शेयर कर दूं। अभी लिंक तो नहीं है लेकिन जैसे अब मैं ये ZM Sam Official है तो आप इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं, आगे भी जो मैं जिन जिन की बात करूंगी आप लोग उसको इंस्टाग्राम पे और फेसबुक के ऊपर जाके देख सकते हैं, जिनका भी मैं मिसाल दूंगी और जहां पर आप उनके साथ रब्ता भी कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं आगे जो मैं बात करने वाली हूँ कि वो आप लोगों को आगे ना सिर्फ मेंटर करेंगे बल्कि कारोबार के आगे सहूलियात भी देंगे, जो मैं आगे बात करने जा रही हूँ। अच्छा, अब इसके बाद अगर ये जो पापड़ी और दही मेकिंग है ये कितनी छोटी सी बात लगती है, लेकिन आप मैं क्योंकि आजकल रमजान का मौसम है और रमजान चल रहा है, लोग राशन वगैरह दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस टाइम पर लोगों को स्मॉल बिजनेसेस की तरफ लेके आती है या जो कर रहे होते हैं उनको सपोर्ट करती है। मिसाल अब ये दही है, रमजान में दही की कितनी सख्त जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग दही के कुंडे और दूध और इनिशियल जो उनको चीजें चाहिए होती हैं वो ले देते हैं। अच्छा, अब उसकी एक छोटी सी फिजिबिलिटी पहले बनती है, कुंडे कितने के आएंगे, दूध कितने किलो होगा, और ये खातून या मर्द जो है, खासतौर पे हम लोग जरा खवातीन को ज्यादा प्रमोट कर रहे होते हैं गांव में, तो ये कहाँ पे लगाएंगी, SOPs का ध्यान कितना रखेंगे, उसकी हाइजीन कितनी होगी, कितना किलो बेचेंगे, उसके पैकेजिंग के ऊपर कितने पैसे लगेंगे। वी सपोर्ट वन टाइम, और जैसे ही अब डोर ऑफ अवेयरनेस के लिए भी मैं मुख्तलिफ इंटरव्यूज कर रही हूँ तो मैं उनको बहुत सारे ऐसे डोनर हैं जो सिर्फ 3-4 हज़ार देना चाहते हैं। तो ये जो छोटा कारोबार है जैसे ये दही वाला या आप छोटी भलियां या पापड़ियां बनाते हैं तो ये तो 3-4 हज़ार से भी आप किसी को सपोर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन इज कि वो उसको लेके कितना कंसिस्टेंटली आगे चलते। पहली बात तो ये है कि टू बी ऑनेस्ट लोग इस वक्त चाहते हैं कि उनको सिर्फ फाइनेंशियली सपोर्ट कर दिया जाए और वो ज्यादा काम ना करें, वो अपने हाथ ना हिलाएं, लेकिन जो अपने अब कारोबार को आगे बढ़ाना चाहता है वो इस छोटी सी चीज को भी लेकर आगे जा सकता है अगर वो विलिंग है काम करने को, अपने आप को तरक्की देने के लिए विलिंग है या प्रोग्रेस करने के लिए विलिंग है। तो अब ये जो पापड़ियां या भलियां बनानी है उसके अंदर एक छोटी सी फिजिबिलिटी है, मिसाल है कि कितने रुपए किलो बेसन आता है, ठीक है, उसके बाद उसमें घी कितना लगना है, आपने फिक्स एक्सपेंडिचर के अंदर उसको कड़ाही कड़छा और वो जिसके अंदर से भलियां बनती हैं वो लेके दे देनी है, और उसके बाद आपने उसको बेसन और वो वन टाइम जो मसाला जाता है आपने ले देने हैं। जाहिर बात है उसके घर गैस है और चीजें हैं वो उसको शुरू कर सकती है। द थिंग इज आपने उसको ये एडवाइस करना है कि तुमने इसको पैकेजिंग कैसे करनी है और तुमने लोगों को कैसे देना है। अगर थोड़ा सा हम इसको बेहतर वाली पैकेजिंग के अंदर ले जाते हैं, उसको थोड़ी सी ब्रांडिंग भी करवा देते हैं तो वही चीज लोगों को घर की बैठी हुई साफ सुथरी मिल रही है। बहुत सारी खवातीन आजकल ये कर रही हैं, आपको फ्रोजन आइटम्स मिल रहे हैं एंड दे जस्ट पुट अ स्टिकर एंड देयर ब्रांड। अब ब्रांड नेम के अंदर आप जाके वो बड़ा डिटेल्ड है, आपको भी अच्छी तरह पता है कि उसको रजिस्टर कराना, उसके लिए आपने एक अपना थोड़ा सा उसका प्रोसेस होता है, थोड़े पैसे लगते हैं, लेकिन अगर आप ब्रांड थोड़ा सा रजिस्टर करा लेते हैं अगर आप सीरियस से काम करने के लिए तो फिर वो काम आगे चल पड़ता है। मैं आपको मिसाल देती हूँ, हम लोगों ने विलेज फार्मर बाजार गांव में उधर जड़ावाले में लगवाया, मैं उन खवातीन को जो मेरी वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर की खवातीन थी पहले पैकेजेस और एम्पोरियम मॉल लेके आई, वहां पर मुख्तलिफ ऑर्गेनिक बाजार्स आपको पता है लगते हैं, दिस वाज इन 2018, तो उनको मैंने दिखाया कि देखो ये स्टॉल्स हैं, इन्होंने गुड़ पैक किया हुआ है, इन्होंने हलवे पैक किए हुए हैं, ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं। तो अब वहां से उनकी क्रिटिकल थिंकिंग शुरू हो जाती और वो दे वर स्मार्ट एनफ टू जज, उन्होंने कहा जी ये तो गुड़ बड़ा पुराना है, ये फ्रेश तो नहीं है, देखें इसके रंगत बता रही है, लेकिन इसकी दिलकश पैकिंग है, अच्छी चीज है तो लोग खरीद रहे हैं, ये तो हम भी कर सकते हैं। एट दैट मोमेंट उनको ये आइडिया जो है क्लिक किया और उसके बाद हमने प्रॉपर उनका एक विलेज फार्मा बाजार लगाया जहाँ पर शहरों से लोग गए, जैसे लाहौर से लोग गए और मेरे काफी सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जो चाइनीज हैं वो लोग गए, लम्स के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर वहाँ पे गए, फैसलाबाद से फैमिलीज आई और उन लोगों को इस बात का यकीन हो गया कि अच्छी पैकेजिंग और एक छोटा सा ब्रांड, हमने ही अलबारी ने उनको एक ब्रांड भी इंट्रोड्यूस करा दिया जिसका नाम गुड ग्रेन है, और उसके बाद उनको ये बताया कि आपने हाफ केजी की पैकिंग या केजी की पैकिंग बिल्कुल इक्वल
तरीके से कैसे करनी है और अपनी फूड क्वालिटी को आपने बरकरार रखना है। ये नहीं कि आज हमने अच्छा हलवा बना दिया अंडे का और अगली दफा जो उसके अंदर उसका जायके में फर्क आ जाएगा, देन नो वन विल कम टू यू। दैट्स द प्लानिंग, दैट्स द स्ट्रेटेजी। तो ये एक्सपेरिमेंट हमने गाँव में कराया और माशाल्लाह वो बहुत कामयाब गया। और उसके बाद वाई नॉट इन द सिटीज, वाई नॉट यू गाइज? कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि काम कर रहे हैं आप, वो आपको सबको पता है इस बारे में कि जो कुल्हाड़ा और वो जो उनको लेके दिए रथी, कि इससे काम शुरू करो बजाय इसके कि आप उनको लोगों को पैसों से सपोर्ट करें। और मैं इसके लिए दोबारा से PTTI के बारे में जिक्र करूंगी, जो लोगों को एक हुनर सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो उनको एक काम की तरफ लेके जा रहे हैं। और कर्नल साहब को तो मैं खास तौर पे हैट्स ऑफ टू यू, एंड मुझे बहुत खुशी होती है जब वो बताते हैं कि उनकी सक्सेस स्टोरीज की हैं और वो लोग कितनी कमाई कर रहे हैं उनके आगे से स्टूडेंट्स, दैट्स ग्रेट एक्चुअली। तो अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एम्ब्रॉयडरी या हैंडीक्राफ्ट्स हैं, तो उसके अंदर अब वहां पर गाँव के अंदर भी या शहरों में भी बार दफा ये होता है कि खवातीन काम कर रही हैं लेकिन मिडिल मैन आ जाता है। मिडिल मैन को हमने माइनस करना है, अपना काम खुद शुरू करना है, ठीक है? फॉर दैट यू नीड अ प्लान, ठीक है? क्योंकि मिडिल मैन ने तो आपको आके पैसे देके चले जाने, आगे उसने बहुत सारे प्रश्न में बेच देने, ठीक है? लेकिन आपको क्या मिल रहा है? अगर वो लेसेस बन रही हैं पर यार्ड, आपको 8 या 10 रुपए उसकी कढ़ाई या ऊपर मोतियों के मिल रहे हैं। अब मेरा ख्याल है सब लोग एग्री करेंगे इस बात, लेकिन अगर आप खुद ये काम कर रहे हैं, ठीक है, और खुद जाके दुकान पे बेच रहे हैं, लेट से आप बेशक शहर में जाके बेच रहे हैं या कहीं और, तो वो क्या होगा कि आपको उसके पैसे ज्यादा मिलेंगे, ठीक होगी बात? अच्छा, इसी तरह अब क्योंकि अब हम लोग काफी मेरे ख्याल टाइम भी शॉर्ट हो रहा है तो हम थोड़ा क्विक क्विक आगे जाते हैं। इसके अंदर टूरिज्म एक ऐसी चीज है जो आजकल इमर्ज कर रही है, हालांकि COVID-19 है, लेकिन क्या हो रहा है कि उसके अंदर लोकली बहुत सारे लड़के लड़कियां इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं और वो टूर कंपनीज को, टूर कंपनीज तो नहीं खैर, लेकिन वो छोटे छोटे टूर्स लेके जा रहे हैं। मिसाल है कि अगर आप, मैं इसको आपको बताती हूँ, ये ब्लू ऑरेंज ट्रेवल्स एक हैं और वो लोग लेके जा रहे हैं मुख्तलिफ जगह पर। तो अब आप उनके साथ अगर आप इसको इंटरनेट पे जाके देखें तो वो आप उनके साथ कर भी सकते हैं कोलैबोरेट, आप अपने कस्टमर्स ले जाके उनके साथ कमीशन के ऊपर भी काम कर सकते हैं। अच्छा, अब क्योंकि टाइम थोड़ा है और मैं थोड़ी सी जल्दी जल्दी आपको आगे बात करती हूँ। अगे ये जो वैल्यू एडिशन का काम है जहाँ पे जैम एंड पिकल मेकिंग है, उसके अंदर क्या है कि मैं तारिक तनवीर साहब का नाम यहाँ पे लेना चाहूंगी जो कि फैसलाबाद में है, जिन्होंने लायलपुर फार्मर बाजार के नाम से शुरू भी किया है एंड उसके बाद वहां पर वहां का बहुत बड़ा बोटैनिकल गार्डन भी है। वहां पे ना सिर्फ वो लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग्स देते हैं, मेंटर करते हैं, बल्कि वहां पर जगह भी है जहां वो अपने स्टॉल लगा के अपनी चीजें जो है फरोख कर सकते हैं। वहां पर सिर्फ आपने क्या करना है कि अपने जो वहां पे बिजली का ये चीजों का खर्चे सिर्फ वो देना, ही विल नॉट चार्ज यू फॉर द स्टॉल्स। तो जो फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो तारिक तनवीर साहब से रब्ता कर सकते हैं और वो एग्रो टूरिज्म ATDC के जो है वो CEO भी हैं, उनका फेसबुक पे जाके बात कर सकते हैं, इज अ ग्रेट मेंटर एज वेल। अच्छा, उसके बाद अब हम आ जाते हैं कि ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है, जैसे आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, इसके ऊपर आपके पैसे भी नहीं लगेंगे और आप लोगों को पढ़ा सकती हैं और आपको पर आवर के हिसाब से या आपको पर मंथ के हिसाब से जो है वो मिल सकती हैं, पैसे मिल सकते हैं, ठीक है? अब आगे आ जाता है ये किचन गार्डनिंग का। किचन गार्डनिंग इस वक्त बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने खुद इसका तजर्बा किया, आप लोगों ने भी वीडियो में देखा होगा। उसमें क्या होता है कि आप अपने ही घर के अंदर छत के ऊपर, आपने बहुत सारी मिसालें देखी होंगी कि वो छत के ऊपर अपने वो मुख्तलिफ कंटेनर के अंदर किचन गार्डनिंग करके फ्रेश ऑर्गेनिक चीजें जो है उगाकर लोगों में सेल कर रहे हैं। इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, लेकिन होता क्या है कि आप उसको सिर्फ ब्रांडिंग कर रहे हैं। थिंग इज कि आजकल जो चीज जिसे कहते हैं ना दिखती है वो बिकती वाली बात, कि आप उस चीज की छोटी सी ब्रांडिंग कर लेते हैं, छोटे से स्टिकर्स बनवा लेते हैं, उसका नाम कुछ रख देते हैं, तो क्या होता है कि वो चीज जल्दी क्लिक करती है। बट यू नीड टू हैव द स्ट्रेटजी अगेन,
अच्छा अभी फिजान हम लोगों के पास और बहुत सारी बातें हैं करने को, लेकिन फ्रीलांसिंग और सोशल मीडिया और ऐप डिजाइनिंग के हवाले से आप अगर कुछ थोड़ा सा गाइड कर दें, यू आर बेटर इन दिस, आप हम आगे इसको मूव ऑन करते हैं। आपकी आवाज थोड़ी सी ना डिस्टॉर्शन आ गई थी, कट गई थी, दोबारा आप प्लीज फरमाइए। जी मैं कह रही हूँ कि जी आप जैसे फ्रीलांसिंग है, सोशल मीडिया और ऐप डिजाइनिंग है, अब ये चीजें बहुत कॉमन और इन है, और कर्नल साहब भी मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि इससे बच्चे बहुत ज्यादा कमा भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को गाइडेंस नहीं है। ये थोड़ी सी चंद हरफी बात आप जरूर कीजिए इसमें ऐड जो हमारे सुनने वाले उनके लिए। मैं थोड़ा सा इसको बताता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम भी शॉर्ट है, कर्नल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कुछ हम उनसे कंक्लूडिंगली उनकी तरफ से कुछ कंक्लूजन आ जाए। फ्रीलांसिंग एक्चुअली सबसे बुनियादी चीज जो है ना, जो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, वो ये है कि फ्रीलांसर को ये जरूरी नहीं है कि वो इंटरनेट की दुनिया में ही काम करे। बिल्कुल, फ्रीलांसर हर वो बंदा हो सकता है जो किसी भी अपने बॉस के बगैर काम करे, के काम कर ले, कोई जरूरी नहीं है उसको दफ्तर के लिए, ठीक है, उसको हम कहते हैं फ्रीलांसर। सेकेंडली वो फ्रीलांसर कोई भी सर्विसमैन हो सकता है, कोई भी सर्विसमैन फ्रीलांसर की कैटेगरी के अंदर आ सकता है। अब जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि कौन से फ्रीलांसर्स ऐसे हैं जिनको हम ये कहें कि यार ये खवातीन की बात करें तो वो किस तरीके से इन फ्रीलांसिंग जो स्किल्स हैं उनको हासिल करने के बाद वो अपने बड़े आसानी के साथ जो है ना कोई काम घर से बैठ के कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे हैं, जैसे कुछ के जो है वो कोर्सेज, सॉरी गले को कुछ हो गए, कुछ के कोर्सेज जो है एक्चुअली PDDI भी करवा रहा है, वो वेब डिजाइनिंग भी हो सकती है, वो जो है ना वर्डप्रेस भी हो सकता है, वो डिजिटल मार्केटिंग भी हो सकती है, वो यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग हो फेसबुक के ऊपर जो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग, बिल्कुल जी, इस टाइप के बहुत सारी जो हमारी चीजें हैं वो हमारी जो है ना फ्रीलांसिंग के अंदर आ सकती है। मैं एक मिनट, ये एक छोटी सी स्लाइड है, बल्कि मैं शेयर करता हूं तो शायद कुछ को अंदाजा हो कि हम किन किन चीजों को ले सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे फ्रीलांसर की डेफिनेशन में। अच्छा मैं थोड़ा सा इसको एक दो चीज थोड़ा सा अपने तरीके से डिफाइन करना चाहूंगा। जैसे वेब डेवलपमेंट डिजाइनिंग है, बिल्कुल एक चीज है कि मैंने इसको सीखा, या यूट्यूबर मैं बनना चाहता हूँ, मैंने इसको सीख लिया, इसके टेक्निक सीख ली। अब दूसरी बात जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो ये है कि मैं इसको मार्केट कैसे करूँ। मेरी जाती राय ये है, जो कि मैडम भी शुरू में कह रही थी, कि जब हम किसी चीज को जिस चीज के अंदर हमारा एक होता है, हम उसको प्रोफेशनली अपनाते हैं, एक टर्म यूज करते हैं अंग्रेजी में ऑब्सेशन, यानी इतना उससे मुझे जो ना ऊपर चढ़ चढ़ के, यानी मैं इसको कैसे मफहूम बयान करूं, कि ऐसा लगाओ, जब वो लगाओ होता है ना तो बंदा दिन रात उस बारे में सोचता है। जो सही मायने में एंटरप्रेन्योर होता है, स्टार्टअप होता है, यानी जो नया बिजनेस स्टार्ट करता है, जब वो सुबह सुबह उठता है तो उसके जहन में ये होता है कि मैंने आज जो है ना, यानी जो पिछले दिन में मैंने अपनी वर्किंग छोड़ी हुई थी, उसको आज मैंने कैसे कंक्लूड करना है, जो आज के टारगेट्स उनको कैसे कंक्लूड करना है। जब वो रात को सोता है तो उसके जहन में होता है कि कल मैंने ये चीजों को पूरा करना है। वो जो इतना ऑब्सेस होता है अपनी चीज के बारे में, स्टार्टअप के बारे में, वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी भी स्टार्टअप के अंदर हाथ डाले, चाहे वो कोई भी हो, वो फेल हो जाए। ये हमारे गलत फहमी है कि जनाब किस चीज का स्कोप है, किस चीज का नहीं है। स्कोप हमेशा उस चीज में हम खुद बना सकते हैं जिस चीज में हमें इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट होना सबसे, और पैशन होना चाहिए आपको, पैशन जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सकते हैं आई थिंक वीडियो जो है वो आपकी रुक रही है फिजान, देयर इज सम डिस्टॉर्शन। अच्छा चलें, मैं इसको थोड़ा सा आखिर में एक छोटी सी बात करूंगी, विल डेफिनेटली विल गो टू कर्नल साहब क्योंकि हमारे पास बहुत थोड़ा टाइम है। इकीगाई का एक कॉन्सेप्ट है, जी फिजान सॉरी आप बात कीजिए। सॉरी मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं फिर चाहूंगा कि कर्नल साहब जो है वो प्लीज इसको लें। जी ये जी। तो अब उसमें मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे जो हमारे सामने लिस्ट है इसको हम शेयर भी कर देंगे कि अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं लेट्स सपोज कि मैं जो है ना वो वेब डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग में काम करना चाहता हूँ,
जब मुझे ये शौक होगा तो मैं लाजमन जो है वो उसके चेक करूंगा कि क्या लोगों की डिमांड है, किस तरीके से मैं उनको कर सकता हूँ। अब मैं आपको इसकी छोटी सी बात देता हूँ, फिर मैं खत्म कर दूँ बात को। आप हैरान होंगे कि यहाँ पे कितने सारे, बहुत सारे नहीं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे लाहौर में दो तीन को मैं जानता हूँ, जिनके सॉफ्टवेयर हाउसेज बैठ के क्या करते हैं कि पूरी दुनिया में ऐसे ब्रांड्स या ऐसी जो बिजनेस हैं उनको तलाश करते हैं, जिनकी वेबसाइट्स होती हैं, वेबसाइट पर उनको देखते हैं, उनको कहते हैं कि आपकी वेबसाइट ये कमी है, अगर हम आपकी वेबसाइट पर ये चीज ऐड कर दें तो उससे ये होगा कि आपकी ऑडियंस बढ़ जाएगी या आपका जो टर्न ओवर वो बेहतर हो जाएगा। वो उनको इस बात पे पिच करते हैं, ईमेलिंग पे सारी बात होती है, और यकीन माने वो इसी से बैठ के अपने सारे एम्प्लाई से काम कराते हैं, उनका काम ही कोई नहीं है, सिर्फ वेबसाइट ढूंढते हैं जो ऑलरेडी बनी हुई है, उनको कैसे इंप्रूव करना है उसके बारे में एडवाइजरी देते हैं और उसी से कमा रहे हैं। तो जिसको जिस चीज के अंदर शौक होता है वो कर लेता है। अच्छा, इसको थोड़ा सा आप इजाजत दें, मैं ये कहना चाहूंगा। जी, छोटी सी मैं एक बात करूंगी अगर आप इजाजत दीजिए मुझे। पता नहीं आज कुछ इंटरनेट का इशू है, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट के मेरे पास बेहतर इंटरनेट आ जाए, बट एनीवेज मैं फिजान थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आपकी तरफ से भी आ रही है एक्चुअली। अच्छा, वी हैव वेरी मच, वी हैव टॉक्ड अबाउट अ लॉट और हमारे पास इसका बहुत टाइम थोड़ा है। मैं सिर्फ एक छोटी सी आखिर में बात करूंगी, रिमेम्बर द फोर पिलर्स ऑफ इकीगाई। अब इकीगाई क्या है, ये एक जैपनीज वर्ड है, इकी एंड गाई का कॉम्बिनेशन, जिसका मतलब है द रीजन फॉर बींग। तो आप वाली बात जो फिजान कर रहे हैं कि व्हाट शुड बी द रीजन फॉर यू टू गेट अप excitedly every morning, ठीक है, तो उसके अंदर आप अपना जो है वो सुबह आप किस वजह से उठते हैं, क्या चीज ऐसी है जो आपको उठाती है। तो उसमें इकीगाई का जो जैपनीज कॉन्सेप्ट है वो ये है, चार चीजें, व्हाट यू लव, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स एंड व्हाट द वर्ल्ड पे यू, ठीक है। ये चार चीजें अगर आप कर लेते हैं यू विल बी सक्सेसफुल सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, क्योंकि जो चीज पैशन है वही आपका जो है अगर प्रोफेशन बन जाता है तो यू कैन अर्न फ्रॉम दैट, और लोगों को उसकी जरूरत होती है और आप उसके ऊपर बेहतरीन होते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग मी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। अब मैं चाहूंगी कि फिजान आप इसको कर्नल साहब की तरफ करें और वो कंक्लूडिंग रिमार्क्स। जी कर्नल साहब प्लीज, मैं आपको दावत दूंगा कि प्लीज आप कुछ कंक्लूडिंगली कुछ अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स दीजिए ताकि आपसे हम मुस्तफीद हो सकें। बिस्मिल्लाह रहमान, अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आवाज जी जी, हेलो, अच्छा आवाज आ रही है। चलिए, पहले अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम ऑन बोर्ड सादिया। लास्ट टाइम व्हेन यू स्पोक तो मैं आपसे बात नहीं हो सकी थी, आई वाज एट द प्लेस वेयर इंटरनेट नहीं था। आज मैंने आपका पूरा लेक्चर सुना है, इट इज वंडरफुल, एब्सोल्युटली टॉप क्लास, और सबसे अच्छी चीज है कि बड़े इनोवेटिव आइडियाज आपने दिए और चीजें बताई हैं बच्चों को। मेरा सिर्फ पॉइंट यह है कि फिजान ऑल्सो यू डन अ वंडरफुल जॉब एंड आई एम ग्रेटफुल टू फिजान के वो सारा कोऑर्डिनेट कर रहा और मुझे रीच कर दिया। लेकिन दो चीजें मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड फ्रीलांसर। जो फिजान बात कर रहा है वो फ्रीलांसर की बात कर रहा है और जो आपने बात की है वो एंटरप्रेन्योरशिप की बात की है। देखिये बात यह है कि अभी चूंकि ये कोरोना की वजह से वी हैव गॉन ऑनलाइन एंड आई एम डोंट सी के नेक्स्ट फ्यूचर के आपको कोई वन टू वन कोई बातचीत होगी, आई थिंक इन कमल ऑफ ईयर्स, तो पर फोर्स यू आर गॉन ऑन ऑनलाइन। अब ऑनलाइन में दो चीजें आ जाती हैं कि जैसे ये फिजान ने बताया, वेब डिजाइनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, SEO है, ये एक और चीज है जो कि आप घर पे बैठ के कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ यू कैन बिकम ए गुड एंटरप्रेन्योर। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि ये हमारे डिफेंस एरिया में दो तीन बच्चों ने क्या किया कि तो उन्होंने सब्जियां लेनी शुरू की, मार्केट मंडी से जाके सब्जी ला के उसको अच्छी तरह धो के उनको अच्छी तरह पैक करके
एंड दे वेंट ऑन द अपना सोशल मीडिया पे कि जी किस किस को क्या चाहिए, और उन्होंने डिमांड दे दी इनको ऑनलाइन, और ये जाके घर पे देना शुरू कर दिया, डिलीवर करना शुरू। एक इनोवेटिव आइडिया है, जस्ट अ स्मॉल थिंग व्हिच यू कैन सी, एक साफ सुथरी चीज आपको सस्ते दामों पे मिल रही है और ऑनलाइन आप डिमांड कर रहे हैं, घर पे आपको डिलीवर हो जाती है, और थोड़ा महंगा भी होगा, बट देन इट इज सो कन्वीनियंट दैट यू डोंट हैव टू गो आउट अंडर दीज अंडर सर्कमस्टांसेस, क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है, आप अवॉइड करना चाह रहे हैं। तो ये एक इनोवेटिव आइडिया है, इसमें दोनों चीजें कपड़ लोगी, आपकी वेब आपका सोशल मीडिया भी बीच में आ गया और एंटरप्रेन्योरशिप भी आ गया, सो इट इज अ कॉम्बिनेशन, नाउ इट इज गोइंग टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ। जो फिजान अभी करा रहा है लेक्चर जो करा रहा है, और मैं ये कह रहा हूँ कि दिस इज इन थिंग नाउ एंड इट्स एन एक्सलेंट थिंग वी डूइंग नाउ, तो इसको दोनों को अब कपल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने शादी एक बात कही कि जी वो गाँव की औरत है, वो साग बनाती है, शी मेक्स गुड साग। अब साग लोगों ने खाना है, जिन्होंने खाना है, अब उसको वेबसाइट पे डाल दें, सोशल मीडिया पे डाल दें, नाउ पीपल विल अंडरस्टैंड कि यार ये फलां जगह से ये मिल रहा है, और ये ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे। कल मैंने एक और सोशल मीडिया पे देखा ऑनलाइन फूड कि जी घर पे आप खाना ना पकाए, खाना एक नया आइडिया दे दिया उसने, मेन्यू दे दिया कि जी आपके घर पे ब्रेकफास्ट पे क्या चाहिए, लंच पे क्या चाहिए, डिनर पे चाहिए, और वो घर पे आपको डिलीवर कर रहे हैं खाना, तो यू डोंट हैव टू गो इनटू इंटरेक्शन विद द रेस्टोरेंट द पीपल एंड एवरीथिंग। सो दिस इज इनोवेशन कपल्ड विद नाउ, अभी पर फोर्स आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा, इसकी आपको इंशाल्लाह आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, और फिजान इज डूइंग एन एक्सलेंट जॉब, और ये इसकी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वेब डिजाइनिंग हो गया, एसईओ हो गया, डिजिटल मार्केटिंग होगी, ये आपने सीखना पड़ेगा परफोर्स। और जो आपके आइडियाज हैं देर एक्सलेंट आइडियाज के, ये छोटी छोटी चीजों को लेके चल पड़े। फॉर एग्जाम्पल नाम्स में गया था तो वहां पे एक उन्होंने बनाया था वेबसाइट, उसने कहा जो शादी होती है तो वो लड़की के जूते कपड़े खाना पीना ये सारा कुछ उन्होंने कंबाइन करके बना दिया, एक पैकेज दे देते कि हम आपको ये पैकेज दे देते हैं कि आप इसमें सब करें, इट बिकम सो कन्वीनियंट यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू गोना स्पेंड। सो मेरा कहने का मकसद ये है कि यू हैव स्पोकन वेल एंड यू हैव गिवन वेरी गुड आइडियाज। इनोवेशन इज कि मैंने आपको छोटी सी बात की है कि जी वो सब्जी साफ करके और डिलीवर डोर स्टेप पे आपको मिल रही है, यू डोंट हैव टू बॉदर। अभी इंग्लैंड में आई वॉज देयर इन इंग्लैंड, तो उन्होंने कहा जी कि ऑनलाइन देना, आप शॉप पे जाते हैं, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर देते हैं, ग्रोसरी की बेसिकली कर रहा हूँ, आप जाते हैं बाहर, आपका ऑर्डर पड़ा होता है, आप पे करके निकल आते हैं, वो घर पे भी डिलीवर कर देते हैं, अमेजॉन इज वन विच डिलीवर्स एट योर होम, इनोवेशन है। बट एनीवे मैं आई एम वेरी हैप्पी, और मेरा तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड के एंटरप्रेन्योरशिप इज अ डिफरेंट थिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग और जो वेब डिजाइनिंग जो फिजान कर रहे हैं, बट इन द एंड यू हैव टू कंबाइन बोथ ऑफ देम, और इसकी नॉलेज के लिए आपको बहुत जरूरी है। आई वुड रिक्वेस्ट सादिया कि यू गो ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर सेम टॉपिक बट कम अप विद गुड सम न्यू आइडियाज, ताकि बच्चों को पता चले आजकल तो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, तो छोटा सा खोखा ही लगा के बैठ जाए ना, जैसे फिजान ने कहा कि हम रमजान में लोगों को बिजनेस डेवलप करके दे रहे हैं, छोटा सा एक बिजनेस है, जैसे आपने कहा कि जी रेडी लगा ली, पापड़ बेचती है, लेकिन एक और भी चीज होती है कि यू हैव टू अपना वो ईगो मारनी पड़ती है। लम्स का स्टूडेंट तो ईगो नहीं मारता अपनी, ही इज नॉट सक्सेसफुल, लेकिन उन्होंने जिन्होंने मार लिया उसके बाद उन्होंने चाय के भी शुरू कर दिए हैं और मुख्तलिफ फूड इंडस्ट्री के अंदर भी। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि हम जो ये कह रहे हैं ना कि लम्स का स्टूडेंट जो है वो ईगो नहीं मार सकता, आई थिंक सो वो भी मार सकता है। मैं उसकी एक आपको मिसाल देता हूँ कि मैं बल्कि अपनी मिसाल देता हूँ, मेरे वालिद साहब माशाल्लाह 21 के से रिटायर्ड हैं, लेकिन जब मैंने अपना ये बिजनेस स्टार्ट किया तो यकीन माने कि मैं तो पॉकेट मनी भी नहीं लेता था, चूंकि हमने वर्क एक्सपीरियंस लिया था, फर्गुसन से मेरा एक्सपीरियंस था, तो मैंने पास आज भी वो बटवा
और आज भी मेरे पास वो शूज पड़े हुए हैं जो कि एक्चुअली मैं अपनी स्ट्रगलिंग के दौर में आज से 4-5 साल पहले इस्तेमाल करता था, इसलिए रखे हुए। मैंने कहा यार मुझे हमेशा याद कराते रहेंगे, मैं पैसे नहीं लेता था, मेरी मुझे अब अच्छा नहीं लगता था कि मैं बड़ा हो गया हूँ मैं पैसे लूँ। तो जो चीजें थी कोई उधार भी लिया ये वो फिर वापस किया। तो वो बच्चा कोई भी हो, कोई चाहे वो लम्स का हो किसी का हो, अगर वो ये चाहता है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, हमने भी किसी ने अल्लाह का शुक्र है हमारे किसी ने जो है ना वो काउंसलिंग की तो हमने ये सीखा कि अगर वो वाकई चाहता है तो जब खुद स्ट्रगल करेगा तो उसको पता लगेगा कि एक्चुअली मैंने कैसे जो है ना अपने अपने आप को सर्वाइव करना है। तो किसी भी चीज़ के अंदर ये जरूरी है, और इसके लिए जो है ना वो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, जो आप फरमा रहे थे कि हम रमज़ान में बजाय इसके कि किसी को सदके के पैसे दें, तो हम वो जो सदका ज़कात के पैसे होते हैं उलमा से पूछ के, ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से करते हैं, हम काउंसलिंग करके पूरी मुफ्ती साहिबान से, चाहे वो जिस मकतबा फिक्र से हो, अहले तशी हो, सुन्नी हो या जिससे भी हो, उनसे रिलेटेड पूछ के फिर हम उसको उस तरीके से करते हैं। क्या करते हैं, एक बंदा मिसाल के तौर पर खातून आती हैं, उनको कोई हम मशीनरी वगैरह ले देते हैं, उनको 3 स्टेप्स होते हैं कि भाई हम जो है ना वो पहले देखते हैं कि इनको काम करना भी आता है कि नहीं आता, अगर नहीं आता तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, दूसरा उनका सेटअप बनाया जाता है, तीसरा मॉनिटरिंग होती है। मॉनिटरिंग के लिए बल्कि मैंने मैडम सादिया से कहा है कि मैं चाहूंगा कि आइंदा इनसे हम लोग जो है वो लुक आफ्टर करवाएं। हमारा बड़ा हमारे स्टेप होता है, मॉनिटरिंग बहुत सारे लोगों ने जो है वो हमारे थ्रू जो है वो रेड़ियां भी लगाई, सब्जी वब्जी लेकर आए, इस तरह किया, कुछ किया, कुछ ने लास्ट टाइम जो है राशन तकसीम हो रहा था तो हम लोग उन्हीं में उनको जॉब्स दे दी, कुछ ने जो है वो छोटे मोटे को डिजिटल मार्केटिंग की टेक्निक्स के ऊपर हमने ट्रेनिंग करवा के उनको जो है ना कुछ करके दिया। तो ये आप किसी को मछली पकड़ने से बेहतर है, देने से बेहतर है कि आप उसको मछली पकड़ना सिखा दें। तो मैं आपको कहूंगा फिजान, आप जो बात कर रहे हैं मैं बिल्कुल बात आपकी बजा है, मेरा जो पॉइंट कहने का मकसद ये है कि जो आपको जो ईगो है ना कि देखें आपने क्रेडी लगानी है, आपने पापड़ बेचने, आपने ये करना, जैसे ये लम्स के बच्चों ने वो एक वैन ले ली और उसके अंदर किया, वो अपनी ईगो मार के आया है। हमारे जमाने में जब हम थे हमारा प्रॉब्लम वो ईगो प्रॉब्लम नहीं था कि जी मैं क्या करूं। अभी तो वो बच्चे पैदा ऐसे हुए कि जिनके पास 2 साल का बच्चा है तो उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया आपने, वो जब वो बड़ा होता है तो ही हैज गॉट एन ईगो प्रॉब्लम कि यार मैं ये इसको हाथ लगाऊंगा ये गंदा हो जाएगा, ये मैं कपड़े पहनूंगा गंदे हो जाएंगे यार। और फिर एक और हमारा जो कॉन्सेप्ट है जो अल्लाह ताला ने हम सबको एक बहुत बुरी चीज में डाल दिया है कि जी लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, दिस इज द वन ऑफ द वर्स्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू अस। और ये अपने लिए छोटा सा ऐड करना चाहूंगी प्लीज, मेरे वालिद साहब एक बात कहते हैं, मेरे वालिद साहब कहते हैं कि लोग कौन है पहले हम उसको थोड़ा डिफाइन कर लें। अच्छा, लोग होते हैं चंद, कुछ फैमिली में होंगे, कुछ आपके ऑफिस में होंगे, कुछ इर्द गिर्द होंगे, अगर आप उनको गिनती करें ना तो वो शायद ये 10 या 12 भी नहीं होंगे जिससे डर डर के हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये लोग वो वाले लोग हैं जो खुद भी किसी चीज से डर रहे होते हैं। तो अगर हम सादिया मैं आपको बड़ी छोटी सी सिंपल, आप लड़की है ना, हमारा तो कॉन्सेप्ट है कि शादी पे वो औरत कहती है कि जी ये मैंने इस शादी पे ये जोड़ा पहना था, दूसरी शादी पे मैंने ये नहीं पहना, मैंने नया जोड़ा पहना। नाउ क्या है, व्हाट इज दिस, दिस हैज ब्रॉट अस टू अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। भाई मैंने अगर कमीज पहनी है, पतलून पहनी है, मैंने अपने लिहाज से पहनी है, आई डोंट वॉन्ट टू वेयर क्या नाम है वो जो ब्रांडेड सूट्स हैं, आई वॉन्ट टू वेयर अ सिंपल सूट, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, बट वाई हैव टू शो। अच्छा मोबाइल लेना है तो जी वो टॉप ऑफ द लाइन मोबाइल लेना, लोग क्या कहेंगे यार इतना थका हुआ मोबाइल। वो मैंने तो एक किस जमाने में एक छोटा सा मोबाइल रखा हुआ था नोकिया का, मैं उससे गुजारा कर रहा था, ये तो बच्चों ने मुझे पकड़ के ये दे दिया कि बट आई एम ग्लैड दे गिव इट टू मी इन द सेंस कि नाउ आई कैन स्पीक टू यू। और पॉइंट इज कि मैं तो यूजफुल के काम के लिए कर रहा हूँ। पॉइंट ये है कि जो फिजान भी कह रहा है, फिजान ने भी बड़ा अच्छा काम किया, बट वी हैव टू one thing that in the next lecture you should talk about is the ego problem. We have no ego problem. We should not think about what people are going to think. You think if you are satisfied in your heart, that's the more important thing. In the end, I would like to thank you all, and especially Fizan and Salman and Sadia, you've done a wonderful job and I'm glad you are on board. And next lecture pe aap ye kare. Thank you very much. Allah Hafiz. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for having me. Or inshallah, we'll keep in touch.
और ये स्लाइड्स हम इनके साथ शेयर कर देते हैं क्योंकि काफी सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच कर्नल साहब, डेफिनेटली इस पे बात होगी, ईगो वाली जो आपने बात कही है, और इसमें बहुत सारी मेरे पास मिसालें हैं, एंड डेफिनेटली आई विल कम अप विद समथिंग न्यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्विकली पूछ सकता है। एनीवन हियर वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो? अच्छा, एक बात मैं तब तक छोटी सी ऐड करना चाहूंगी, गुड ग्रेन के नाम पे जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड है, उसके लिए मैं खुद जाकर जीपीओ वहां का कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम सीखा देखा कि कैसे करना है, क्योंकि वहां पर मैंने अगर किसी को बताना है तो पहले मुझे वो खुद उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और मैं अपने फादर को कहती होती थी, उन्होंने कहा कि कोई मुलाजिम है कर, नहीं ये मैं खुद जाऊंगी जीपीओ के लोग से बात करूंगी इनका कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम क्या है, अगर हम चीजें भेजते हैं तो उन लोगों को घर में कैसे पैसे आएंगे, कितने वेट का कितने पैसे देने और क्या सिस्टम है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने खुद सीखा है और मैं लोगों को इसको गाइड कर रही हूँ। टीसीएस भी है, बहुत सारे और भी हैं, लेपर्ड भी है, लेकिन मैंने जीपीओ के साथ जो कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम है बड़ा अच्छा चल रहा है, और अगर कोई खातून करना चाह रही है तो डेफिनेटली दे शुड गो फॉर इट एंड आई एम देयर टू हेल्प। उसमें कितने क्या पैसे लगते हैं सारा कुछ। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि जो है अपना कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसके लिए एक तो आप हमारे फेसबुक पेज के साथ जो है ना वो कनेक्ट रहे, वहाँ पे अपडेट होते रहते हैं। हाँ। व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं हमारे, वहीं पे आप अपना फोन नंबर जो है ना वो मैसेज कर दें फेसबुक पेज पे, तो आपको उन ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। ये फैजान, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये जो हमारा पेज है ना पार्क ट्रेनिंग डेवलपमेंट शूट, इनको कहें इसको लाइक करें और इस पे डालें सारा कुछ, देन वी गेट अ फीडबैक ऑन दिस, तो हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा कि ये पार्क ट्रेनिंग डेवलपमेंट शूट को आप लाइक करें और इस पे आपने कमेंट्स डालें या क्वेश्चन डालें और हमें बताएं भी कि हम आगे क्या करना चाहते हैं। वी लुक फॉरवर्ड टू दिस थिंग। हाँ जी, हम अपनी ट्रेनिंग्स को उस तरह से लेके जा सकते हैं जो कि पब्लिक डिमांड है या जिस तरह स्टूडेंट्स जो सुनना चाह रहे हैं, जो लर्न करना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं एक छोटा सा ये क्वेश्चन, इन्होंने ना बड़ा अच्छा किया है, कोई कश्यप सईद है, उन्होंने मैसेज में लिखा है, सर आपकी सब बातें सही हैं, जो हजार भी अफोर्ड नहीं कर सकता वो क्या करे। मैं छोटा सा अपना इनपुट देता हूँ, फिर मैं मैडम सादिया से कहूँगा और कर्नल साहब से कि वो बताएं। देखिए, जब आप ज़ाती आम तौर पे होता यही है जहन में कि जब मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मेरे पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। ठीक है, मैं अभी कर्नल साहब ने ये कहा कि हमारे पास लड़के काम करते हैं ना, जैसे कन्नर साहब कह रहे थे, यहाँ पे भी एक लड़का है, उसको भी मैंने कहा कि यार तुम्हारे पास कितने का मोबाइल है, उस मैंने उसको कहा काम करो अपना, कहता मैं जो है ना सर क्या काम करूँ, पैसा ही नहीं है। मैं कहा भाई तेरे को कितने का मोबाइल है, कहता 41,000 रुपए का। मैं कहा ये कहाँ से, अबू ने दिए। वो मैं कहा 41,000 के मोबाइल की क्या जरूरत है तुम्हें, काम तुम्हारा यही जो है ना 7-8-10,000 रुपए के मोबाइल से भी हो जाएगा, 31,000 रुपए तुम बचा सकते हो, उसको सेल करके उससे काम करो। जब हम ये सोचेंगे कि कहाँ कहाँ से रिसोर्सेज मौजूद हैं, ये पूरी इकोनॉमी का ये हाल है, पाकिस्तान के भी जो है ना वो खजाने में कोई पैसे नहीं है, हमें सोचना पड़ेगा कि एक्चुअली हम पैसे हम लोग होटलिंग के ऊपर, होटलिंग के ऊपर हम 4,000 खर्च सकते हैं, तो अगर उसी 4,000 से हम ये पापड़ी या दही वाला भी करना शुरू करें ना, चाहे अगर हम अपनी ईगो को मार के, तो हो सकता है। जी बिल्कुल ऐसी। फिर मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि हम सेविंग क्या होती है, सेविंग जैसे आचल आपने ये बात की होटलिंग के ऊपर, तो आपने जब किसी स्टार्टअप में आना हो तो अगर आप अपनी कंफर्ट के ऊपर साल के अंदर लेट्स सपोज 10,000 रुपए खर्च करते हैं ना, आप वो करना छोड़ दें, 1-1.5-2 साल के लिए करना छोड़ दें, 1 साल आप ईद के कपड़े ना बनाएं, 1 साल आप अच्छे जूते ना खरीदें उन्हीं पे गुजारा करें, 1 साल आप अपने घर के, अगर आप इंडिविजुअली तौर पर सोच रहे होंगे ना, मैं जाती तौर पर समझता हूँ यहाँ पे कोई फैमिली के तौर पर नहीं सोच रहा होगा, वो इंडिविजुअली तौर पर सोच रहा होगा, अपनी इंडिविजुअलिटी में वो अपनी चीजों को सेव करे, देखे इधर उधर से मैं कैसे कर सकता हूँ, शुरू में सर्विस करें, और कभी भी अगर ये करने के बाद भी आपको लगता है कि पैसे नहीं बच रहे तो शुरू में आपको किसी का सर्विस मैन बनना, किसी का बनना पड़ेगा आप, यानी शुरू में खुद से फ्रीलांसर बन जाएंगे। हो सकता है कि शुरू में इस मजबूरी में आपको काम सीखने के लिए और इन पैसों को सेव करने के लिए किसी के पास एम्प्लॉय कर, जब वहां से आपकी सेविंग हो जाए तो काम शुरू कर दें। तो ये आप एज एन इंटर्न भी काम कर सकते हैं, और एज एन इंटर्न आप खुद पीटीडीआई जो है इतना ग्रेट फोरम है जो कि आपको बहुत सारी चीजें बता सकता है।
जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा इसमें मैं लास्ट बात करूं, फिर मेरे ख्याल है कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर इसको कंक्लूड करें कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है जरिए मौश, जो हम पहले इंक्यूबेटिंग पाकिस्तान के तौर पे इसको नाम से काम करते थे, वहां पे हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को इसी तरीके से जो है ना स्टार्टअप्स लगा के दिए कि हम, मैंने अभी जैसे बताया कि पहले हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं, फिर सेटअप, फिर उनका जो है ना मॉनिटरिंग। तो उसका मकसद ये है कि जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, हम उनकी पूरी एक पहले सर्वे रिपोर्ट बनती है, उनका तहकीक होती है, उसके बाद फिर उनको हम लोग जो स्मॉल लॉन्स है वो दे देते हैं अप टू 30,000 पीस तक। तो अगर आप फिर भी ये समझते हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम आपकी हेल्प करेंगे किसी चीज़ में भी इंशाल्लाह अज़ीज़। इस तरह की किसी चीज़ में भी अगर आपको ज़रूरत है तो मेरा नंबर भी मेरे ख्याल मौजूद होगा या शेयर कर देंगे सलमान वगैरह, तो आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर लें, किसी से करें, इंशाल्लाह आपको फ्री एडवाइस दे देंगे। मैडम अगर आपको इनपुट देना चाहिए, कनर साहब, मेरा ख्याल है क्योंकि 3:15 हो गए तो हम इसको क्लोज करें। जी मेरे तरफ से जो है वो यही है कि किसी किस्म की एडवाइस चाहिए हो आप लोगों को, खासतौर पे खवातीन जो है स्टार्टअप, तो आई एम ऑलवेज देयर। आप पीटीडीआई के थ्रू भी रब्ता कर सकते हैं, और कर्नल साहब और फिजान है, सलमान है, कोई भी, और मैं कोशिश ये करूंगी कि मैं नेक्स्ट टाइम मुख्तलिफ डिफरेंट बिजनेस प्लान्स के साथ आऊं, ताकि अगर कोई खातून खास तौर पे शुरू करना चाहे तो उसके लिए आसानी हो वो छोटे छोटे बिजनेस प्लान। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।